मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 के लिए हम लोग वाक, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाक के बारे में चर्चा की थी, ललित द्वारा रचित वाक के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें पहला वाक, दूसरा वाक और तीसरा वाक के बारे में मैंने भावार्थ सहित बताया था। आज जो है अंतिम वाक जो है चौथा वाक, उसका अध्ययन करेंगे और उसके संपूर्ण भावार्थ को जानेंगे। चौथा वाक जो है वो कहता है कि थलथल में बसता है सिंही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ खूब प्यार से समझेंगे, इसके अर्थ को समझना वर्ण बहुत ही जटिल है और आसान भी है, जिसको हम आज समझेंगे। कहता है थलथल कड़कड़, यानी कि थलथल में बसता है सिंह। मैंने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, उसको फिर से हम बताते हैं, उसका पुनरावृत्ति कर देते हैं कि ए लीफ कैन नॉट वाइब्रेट विदाउट गॉड, यानी एक पत्ता भी इस गॉड के मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। हमारे तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि बिन हरि कृपा तैर न डोले, यानी हरि हरि माने ईश्वर परमात्मा भगवान, उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कुरान में भी ये लिखा हुआ कि बिन इलाही पत्ता न डोले, यानी इलाही का अर्थ होता अल्लाह भगवान ईश्वर। तो कहते हैं कि तीनों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ पे बताते हैं, बताया गया है, रामायण में बताया भी गया है कि कणकड़ में है भगवान, अर्थात मुझ में भी है, आप में भी है, एक एक निर्जीव और एक एक सजीव, यानी सृष्टि ही ईश्वर है, यह ब्रह्मांड ही शिव है, कणकण में भगवान। तो वही कहता है कि थलथल में बसता शिव, यानी कण कण में, रज रज में, चारों तरफ जिधर दृष्टि डालो उधर ईश्वर का वास, ईश्वर का वास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तो इसमें भेद क्या, इसमें हिंदू और मुसलमान का भेद क्या, अर्थात मानव को सिखाया जाता है इस पद के माध्यम, वाक के चौथे वाक के पद के माध्यम से समझाया जाता है मानव को कि भेद न कर कौन है हिंदू कौन है मुसलमान, क्योंकि सभी ईश्वर से के बनाए हुए बंदे हैं, यहां सबके लिए एक ही कार्य है। परमात्मा सबका जन, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो सभी जो है ब्रह्म अंश है, ब्रह्म अंश का परमात्मा माने बृहद बड़ा सा आत्मा, जिसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से उनको जानते हैं। और यहाँ आत्मा यानी परमात्मा का एक छोटा अंश हुआ आत्मा। जितने भी इस चराचर पर, इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर जितने भी मानव तन आते हैं, जन्म लेते हैं, वो सारे आत्मा है। और यहाँ आने के बाद हमारा क्या होता है, धर्म का विभाजन होता है, धर्म विभाजन होता है। हम हिंदू के घर जन्म ले लिए, हम हिंदू हो गए। हम कोई मुसलमान के घर जन्म ले लिया, वो मुसलमान हो गया। कोई बौद्धिस्ट बुद्ध धर्म को मानने वाला है, उसके घर जन्म लिया, वो बौद्धिस्ट हो गया। कोई जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनके घर जन्म लिया, वह जैनिक धर्म को मानता है, जैन धर्म के प्रवर्तक हो गया, जैन धर्म के अनुयायी हो गया। इस तरह से कोई क्रिश्चियन के घर जन्मा और क्रिश्चियन हो गया, वह यीशु को मानने लगा। ईश्वर एक है, कणकण में है, तो यहाँ धर्म विभाजन के चलते वह ईश्वर को कई स्वरूपों में बांट दिया जाता है। ईश्वर को बांटने का कार्य मानव को नहीं दिया गया है, मानव को ईश्वर को नहीं बांटना है, परंतु यहाँ लोगों ने धर्म विभाजन के नाम पर ईश्वर को बांट दिया। हम खूब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि कणकण में भगवान है, हम में भी है, सब आप में भी है, सब में ईश्वर एक है, आत्मा अनंत है, परमात्मा एक, आत्मा अनंत, परमात्मा इन सारे जितने भी हम आत्मा में जो ब्रह्म अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, उस सारे अंश का,
उस सारे आत्माओं का एक ही कार्य है कि अपने सीधी रास्ते से यानी सदकर्म से उस परमात्मा में विलीन हो जाना। परंतु यहाँ आने के बाद धर्म ही तक नहीं रुकता, उस धर्म में आने के बाद जाति का भी विभाजन होता है। जैसे कोई ब्राह्मण के घर जन्म ले लिया, वो ब्राह्मण हो गया, कुलीन हो गया, कर्म से ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय के घर जन्म ले लिया, वह क्षत्रिय हो गया, कर्म से। हमारा कर्म क्या है, ये देखना है कि हम ब्राह्मण के घर जन्मे, हम मुसलमान के घर जन्मे, किसके घर जन्मे, इसको किसने बांटा, इस धरती के लोगों ने बांटा। तो कहने का अर्थ है कि हम भली भांति जानते हैं कि ब्रह्म एक, आत्माएं अनंत, कार्य क्या है, दोनों का मिलन। तो यहां आने के बाद हम क्या करते हैं, एक मोह माया, संसारिक मोह माया, भोग विलास और धर्म विभाजन में फंस जाते हैं, जाति प्रथा में फंस जाते हैं। और उस कणकड़ में बसे हुए जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उनसे हम क्या हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, हमारा उनसे क्या हो जाता है, विरह हो जाता है, हमें उनको पाने की चाहत भी नहीं होती है। अगर चाहत होती भी है तो मुसलमान क्या करते हैं, अल्लाह अल्लाह अर्थात नमाज के नाम पर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, अलग अलग, कोई शिव की आराधना करता है, कोई विष्णु की आराधना, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा में लग जाते हैं, तंत्र मंत्र में लग जाते हैं, यानी इसको आडंबर में फंस जाते हैं, अंधभक्ति में फंस जाते हैं, ब्रह्म आडंबर करने लगते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म होता है उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। इस तरह से कहता है कि थलथल में बसता से भेद न कर हिंदू मुसलमान। उसके आगे कहता है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, अर्थात यहां आकर इस आडंबरों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अगर तू ज्ञानी है, अगर तू अपने आप को जानने की इच्छा रखता है, अगर तुम अपने आप को समझता है कि मैं संपूर्ण ज्ञाता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं सभी वेदों को, सारे जितने भी ग्रंथ हैं सबके बारे में मैं उस ब्रह्म को जान लिया हूँ, तो ब्रह्म को जानने की आवश्यकता अभी नहीं है। अभी तुम अगर ज्ञानी अपने आप को मानता है तो स्वयं को पहले जान, यानी मैं कौन हूँ इसको पहचानने का प्रयत्न कर। एक प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, अगर इस प्रश्न की गुत्थी सुलझ गई तो जीवन ऐसे ही भवसागर से पार हो जाएगा। तो यहाँ वाक है, चौथे वाक में लंदन यही कहना चाहती है कि तुम कौन हो, अर्थात मैं कौन हूं, यह एक गुत्थी है, इसको सुलझाना हमारा परम कर्तव्य है। अगर हम जान गए कि हम आत्मा है, इस आत्मा का उद्देश्य क्या है, जैसे मैं जानूंगा कि मैं कौन हूं तो मुझे वह जो जिस उद्देश्य के लिए हम यहाँ जन्म लिए उसका ज्ञात होगा, और जब ज्ञात होगा तो उस परम ब्रह्म से हमारी क्या होगी, साक्षात्कार होगा, हमारा उनसे मिलन हो जाएगा। आगे कहता है वही है साहिब से पहचान, अर्थात जैसे ही हम अपने आप को जानेंगे, हम अपने आप को जब जानेंगे तो उस ब्रह्म को जानेंगे, उस परमात्मा को जानेंगे, और उस परमात्मा को जब जान लेंगे तो साहिब से पहचान यानी उस परमात्मा की साक्षात्कार होगी, पहचान होगी, और उस समय हम भवसागर से पार। बार बार हर एक पदों में आता है भवसागर से। भवसागर क्या है, भवसागर उसी परमात्मा को बोलते हैं, संसार रूपी सागर, यानी संसार रूपी सागर पूरा, जब हम जानते हैं तो पहले ही पद में क्या कि कलकल में भगवान है, अर्थात जिधर दृष्टि डालो उधर भी उधर है यह ईश्वर परमात्मा। तो हमारा साक्षात्कार होगा और हम क्या हो जाएंगे, उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति उस समय हो जाएगी। इसलिए हमको क्या करना है कि हमें सदकर्म में जाना पर चलना है और अपने आप को पहचानने का प्रयास करना है। इस तरह से हम लोगों ने वाक की चर्चा की, जो प्रथम वाक था, द्वितीय वाक था, तृतीय वाक था और चतुर्थ वाक था।
फिर से हम एक बार इस चौथे वाक को समझाना चाहेंगे कि इसमें चौथे वाक में लंदन ने इस पदों के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया। कहता है कि हर कण कण में भगवान है, चारों तरफ भगवान का वास है, यानी इस ब्रह्मांड या सृष्टि, कभी आपने सुना होगा कि नेचर इज गॉड, यह प्रकृति ही ईश्वर है। तो हमें इधर उधर क्यों भटकना, हमें इधर उधर खोजने की आवश्यकता ही नहीं। जब कणकण में है तो दीवार में खोजने की आवश्यकता क्या, मस्जिदों में खोजने की क्या आवश्यकता है, मंदिरों में खोजने की क्या आवश्यकता, अलग अलग गिरजाघरों में जाने की क्या आवश्यकता है। जब कणकण में है तो मुझ में भी है, आप में भी है, तो अंदर ही खोजेंगे ना, अपने आप को जानेंगे ना। जब अंदर खोजेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो ब्रह्म को भी जानेंगे, हमें याद आ जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। और जब ज्ञात हुआ तो सीधे साक्षात्कार होगा और भवसागर से यह शरीर जो है, यह आत्मा जो है, भवसागर से पार हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लंदन द्वारा रचित वाक का श्रवण किया, अध्ययन किया। इसमें चारों वाक्य को जाना भवार सहित। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।